बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। दोनों ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2018 में शादी की थी। वही इन दिनों कपल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिस वजह से फैंस चिंता में आ गए हैं। दरअसल एक ट्वीट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि दीपिका और रणवीर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस खबर पर अभिनेता का रिएक्शन सामने आ गया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की, जिसके बाद से ही फैंस काफी खुश हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होते इस ट्वीट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी, जो अब रणवीर सिंह के बयान के बाद ये चिंता दूर हो गई है। दरअसल अब सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेता कहते नजर आ रहे हैं कि अचगुड हम दोनों 2012 में मिले और डेटिंग शुरू की। इस साल हम दोनों को साथ में 10 साल हो गए हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के सेट से हुई थी। इस फिल्म में दोनों पहली बार साथ नजर आए। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद करते हैं। बता दें कि दीपिका इन दिनों अपनी खराब सेहत को लेकर चर्चा में है। बीते दिनों उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के फैन हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।